अस्सलाम वालेकुम। हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे चाचू के साथ। वीडियो कॉल पे बात करनी है ना गाइस। ये नाला पाना भी जो है ना ये भी रखे हैं अंदर। ठीक है चलो ठीक हो गया। मुझे ना 10:30 वाली मेरे नाम पर बुक कर दे सरमद भट्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर बॉय सरमद भट्ट बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। टाइम जोन्स है वो 3:30 का हो रहा है और मैं तकरीबन जोन्स है 1 बजे तक उठ गया था। ठीक है नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ है तो मैं जरा जा रहा था काम से बाहर। ठीक है आप देख सकते हैं ये बैग पड़ा हुआ मेरे पास, तो मैं जरा जा रहा हूँ काम से बाहर। तो क्या कहते हैं आप लोगों को पता ही है कि क्या मैंने किधर जाना है। आज रात को निकलना है मुल्तान के लिए। यस तो आकर जोन्स है ना फिर तैयारी श्यारी करनी है, पैकिंग वगैरह भी करनी है। ठीक है तो पैकिंग करेंगे आके और बाद में जो है ना फिर शावर वगैरह लेंगे, रेडी शेडी होंगे। तो और भी एक दो काम है अभी, तो टिकट्स वगैरह भी करवानी है यार, तो उधर कॉल करनी है पहले। ठीक है तो टाइम टाइम से पहले कॉल करनी है, तो टिकट करवानी है, फिर उधर जाना है, तो फिर उधर से बैठेंगे इंशाल्लाह रात को। तो आपको बता दूंगा किस टाइम निकलूंगा, किस टाइम जा रहा हूँ, तो किस टाइम बैठना है। तो एनीवेज आपको मेरी आवाज से भी पता लग रहा होगा यार कि मेरी आवाज भारी भारी हुई है। तो कल इतना अच्छा बुला था यार मैं, तो रात को मैं घर आया हूँ वापस, बाहर गया हुआ था दोस्तों के साथ, तो उधर से खा पी लिया बोतल ठंडी पी लिया, घर आया हूँ सुबह उठाऊ तो जुकाम और गला जो साहब वो जरा खराब बिट। तो ये है कि नाशा करके दवाई शवाई खाई है मैंने, तो जुकाम भी है हल्का फुल्का, लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। अभी ये है कि साथ दवाई भी रास्ते में लेकर जाऊंगा अपने लिए। तो एनीवेज गाइस मजा आने वाला है इंशाल्लाह, तो आपको भी इंजॉय करवाएंगे खुद भी करेंगे। तो अभी चलते हैं बाहर काम के लिए, तो मिलता हूँ आपको वापस आकर। 15 मिनट्स लेटर। तो गाइस घर में आ गया था, अब चलते हैं पानी भरने। पानी भी खत्म हो गया। सो गाइस पानी वगैरह मैं भर के ले आया था। ठीक है तो अब फाइनली जो है मैं फ्री हो गया हूँ और अपनी तैयारी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो पहले जो सर अपने लिए कपड़े निकाल ले चले आए। ठीक है तो मैं सोच रहा था कि अपने लिए एक सलवार कमीज सेपरेट ले जाऊं। ठीक है क्योंकि इधर 2 दिन रहना, तो इधर से जो सर मैं पहन के जाऊंगा वो पैंट शर्ट होगी और अपने लिए सलवार कमीज एक सेपरेट लेकर जाऊंगा। तो मैं सोच रहा था कि ये वाला सलवार कमीज जो सा ना ये वाला देखे आप, काफी अच्छा है, ये डिसेंट है, कलर भी अच्छा है और कॉलर वाला है और मोटा स्टफ है, क्योंकि उधर मुल्तान में जो सा ना अभी सर्दी है। मेरी बात हुई है जिसने मुझे बुलाया तो वो कह रही है कि जी उधर अभी ठंड है, तो आप जो सा ना मोटे स्टफ वाले कपड़े लेकर आए अपने, तो ये जो सा ना ये बेस्ट रहेगा। तो पैंट शर्ट जो सी है ना वो मैं देख लू कौन सी पहननी है, तो इधर काफी पैंट्स पड़ी हुई हैं, तो क्या कहते हैं आई थिंक ये वाली बेस्ट रहेगी। हाँ ये देखें ये भी मोटे स्टफ वाली है और कंफर्टेबल है जरा, तो पैंट भी ये वाली अच्छी रहेगी। और ऊपर जो सा ना मैं वो शर्ट वगैरह देख रहा हूँ वो मुझे शर्ट मिल नहीं रही है। मामा कह रही है कि जी वो शर्ट्स तो सारी पैक कर दी हुई है, रख दी हुई है कहीं, तो फिर मुझे जो सा ना कुछ और देखना पड़ेगा, लाइक कोई स्वेट शर्ट हो गई, कोई पतली जैकेट होगी, लेकिन ज्यादा मोटी नहीं लेकर जाऊंगा, पतली सी को लेकर जाऊंगा। अभी इधर काफी जैकेट्स भी लगी हुई है, ज्यादातर तो इधर मोटी है, बट ये है कि देखना पड़ेगा यार, अब ढूंढते हैं कोई कपड़े मिल जाए साथ लेकर जाने के लिए। एक जो सा पजामा ले जाऊंगा ये पड़ा, यस ये होटल में पहनने के लिए जरा कंफर्ट के लिए अपने लिए रेस्ट करने के लिए। तो बाकी स्वेट शर्ट कोई जैकेट देखता हूँ मिल जाए पतली ज्यादा मोटी नहीं, तो उसको भी निकाल दे तो फिर पैक करते हैं। मामा को कहा मुझे जरा बैग दें आप जिसके अंदर मैंने पैक करना है, उसके अंदर एक शूज भी है हम डाल लेंगे, साथ में जूती डाल लेंगे अपनी कंफर्ट के लिए, होटल में पहनने के लिए बाहर जाना हो कोई खाना पीना हो सैर, तो वो मतलब कि इजी रहने के लिए जूती साथ होनी चाहिए मस्ट, तो एक शूज भी एड कर लेंगे उसमें। तो बैग मैंने कहा मामा को लेकर आए, आई थिंक दूसरे रूम में गई है लेने, तो लेट अस सी आई एम सो एक्साइटेड। तो ये कपड़े शपड़े मैंने निकाल लिए थोड़े से, अब थोड़े से और रह गए हैं, और बैग भी जो सा वो आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये चेक करें आप, काफी अच्छा बैग है,
ठीक है, इजी मैं इसको लेकर जा सकता हूँ, काफी सामान इसके अंदर आ जाएगा, काफी इसके अंदर स्पेस है, आप देख सकते हैं इसके अंदर भी जिप लगी हुई है एक। ठीक है जी, बैग आ गया, तो कपड़े शपड़े प्रेस करते हैं, पहले शलवार कमीज को भी प्रेस करना है और ये पैंट को भी, और स्वेट शर्ट और बाकी चीजें देखते हैं, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर तक। सो गाइज, मैंने जो ना अपने लिए स्वेट शर्ट ढूंढ लिया है, ये देखें ये ग्रे कलर का, तो इसके साथ कंपेयर मैंने ये वाली की है, ये कॉटन की पैंट है, पहले वो दूसरा कलर था पर ये ग्रे के साथ ये डार्क कलर जो ना ये ब्राउन ब्राउन है, तो ये ज्यादा सूट करेगा। तो साथ अपने ये शर्ट रख लिया है एक, साथ पजामा और सलवार कमीज जो आप मुझे दिखाए हैं, तो अभी जो ना इनको प्रेस करते हैं। कपड़े शपड़े सारे मैंने प्रेस कर लिए हैं और इनको थप थुप भी लिया है, ठीक है, और इसके लिए बैग भी बना लिए हमने, रेडी कर लिए, ठीक है। दूसरा बैग जो सा था वो जरा अच्छा नहीं था, उसमें ये था कि कपड़े जो से प्रेस किए हुए हैं वो सारे खराब हो जाने थे, तो ये जो सा ना ये जरा बैग जो सा ना ये फिट आना है, मतलब कि अच्छा बना होगा, उसके अंदर जैसे कपड़े रखेंगे वैसे ही रहेंगे, तो ये है कि कपड़े भी नहीं खराब होंगे और मुझे मेरे लिए जो सा ना अच्छा नहीं रहेगी। तो अभी जो सा ना इसमें एक मस्सा बन गया जरा सा, इसकी सिलाई यहाँ से थोड़ी सी खराब है, तो अभी चलते हैं बाहर इसकी सिलाई को ठीक करवाते हैं, ठीक करवा के तो फिर इसको जो कपड़ों को पैक करेंगे इसमें, तो चलते हैं बाहर। ओके, तो गाइस बैग को मैं स्टिच वगैरह करा के ले आया हूँ, देख सकते हैं अब फर्स्ट क्लास हो गया ऐसे जैसे नया है, ठीक है। तो अब जो ना पैकिंग शुरू करते हैं, चले जी, फिर साथ में पैंट, ये एक हुडी थी मैंने, ये हाफ बाजू, ठीक है ना, ये भी प्रेस करवाई थी, अगर वहां पे मौसम जो सा कुछ चेंज होता है, मतलब गर्मी शुरू होती है, तो फिर जो ये पहनेंगे थोड़ा कम्फर्टेबल होगा, फिर तो इसको भी जो सा ना पैक करके ना तो फिर इसके अंदर डालते हैं। और पहन कर मैं ये जाना है, ये शर्ट है और साथ में ये स्वेटर, ठीक है, और नीचे पैंट होगी, तो पैकिंग तो होगी हमारी, शूज भी डालने हैं, जूती भी डालनी है, तो उसके बाद उस शावर वगैरह लेते हैं जल्दी से, फिर रेडी शेडी होते हैं, तो अभी कॉल भी करनी है उधर ट्रेवल वालों को कि जी हमारी टिकट कर दे, तो अभी उधर भी कॉल करते हैं, तो इसको मैं कर लूँ तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो गैस ये नाला पाना भी जो है ना ये भी रखे है अंदर, ठीक है, क्योंकि सलवार कमीज है तो उसके लिए ये मस्त चाहिए। तो गैस ये एक पजामा भी है होटल में पहनने के लिए, तो ये भी एक रख लेते हैं अंदर। तो गैस सलवार कमीज के साथ पहनने के लिए मैंने ये वाले शूज रखे हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर पैक है। शूज वगैरह जो था वो मैंने रख दिए अंदर, देख सकते हैं आप, ये शूज है और साथ में ये सॉक्स वगैरह रख लिए, ठीक है, और एक फेवरेट चीज जो सी मेरी है वो तो रखी नहीं अभी तक, परफ्यूम, ठीक है, तो ये तो मस्ट है ना भाई साहब, आप ओटा सिटी जा रहे हो तो आपके पास परफ्यूम ना हो, हैं, तो ये तो गलत बात है ना। अच्छा, सो गाइस मैंने कॉल मिला ली है बिलाल ट्रैवल्स पर, तो देखते हैं, लेट अस सी। वालेकुम सलाम जी बिलाल ट्रैवल्स भाई जान, टिकट को आए थे मुल्तान के लिए आज रात को, लेट नाइट तक कौन सी है लास्ट वाली? लास्ट वाली 10:30 वाली है, चले ठीक हो गया, मुझे ना 10:30 वाली मेरे नाम पर बुक कर दे सरमद भट्ट, 0303, चले ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही होगी ना, 6 घंटे का सफर है, चले ठीक होगा, ठीक होगा, आधे घंटे मैं घंटे पहले ही आ जाऊंगा, ओके ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो गाइस फाइनली माशाल्लाह से टिकट भी हमने बुक करवा ली है बिलाल ट्रेवल्स पर, ठीक है, हम बिलाल ट्रेवल्स पर हम सफर करेंगे मुल्तान के लिए और 6 घंटे का माशाल्लाह से सफर है, तो दुआ करें माशाल्लाह से हैरियत से मैं पहुंच जाऊं, ठीक है, तो डायरेक्ट ही है, कहीं कहीं पर भी स्टे नहीं है, कहीं होता है ना कि 2 घंटे बाद लोअर, अगर 2.5 घंटे बाद लोअर पहुंचे, लोअर स्टे करके फिर आगे 3-3.5 घंटे का सफर मुल्तान का होता है, तो ये डायरेक्ट वाली मैंने करवाई है ताकि कोई इशू ना हो, कोई रेस्ट ना हो, मतलब कि आराम से बंदा जाए एक बार ही जाए। तो एनीवेज अब चलते हैं फटाफट शावर लेते हैं, उन्होंने कहा 1/2 घंटा पहले आपने पहुंच जाना है, पर मैंने कहा नहीं मैं घंटा पहले पहुंचूंगा, आई एम सो एक्साइटेड ब्रो, सो एनीवेज शावर लेते हैं फटाफट से, रेडी शेडी होते हैं, तो और भी छोटा मोटा जैसा काम है वो करते हैं खत्म करके, पैकिंग जो हो गई फाइनलाइज हो गई सारी, तो फटाफट से मैं शावर लेता हूँ, रेडी होता हूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस अभी बहुत टाइम था जो सा ना मेरी जो बस की मैंने टिकट कराई हुई थी, तो अभी इसमें बहुत टाइम है, तो मैंने कहा जरा अपनी मुन्नी गुड्डी के साथ खेल लूं मैं थोड़ा सा, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ यार, तो मैं तो इसको मिस करूंगा। सोनी, ओए सोनी, सोनी, अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम, हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे। चाचू के साथ वीडियो कॉल पे बात करनी है ना? बोलो यस, बोलो जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बात भी करती है, मैं बोलू ना पार से बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, जैसे वो आवाज निकाले मैं भी आवाज निकाल लू। रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हैं आप मेरी ड्रेसिंग मैंने जो की है, देख सकते हैं आप, चेक करें जरा कैसा लग रहा हूँ, फिर लग रहा हूँ ना सक्सेस। तो एनीवे गाइस, आप बैग भी मेरा देख सकते हैं और मेरा स्वेटर भी देख सकते हैं, बैग के साथ मैंने मैचिंग कर ली है, देख के जरा है ना, फिर मजेदार काम किया मैंने। अच्छा टाइम जो है अभी वो हो रहे हैं 8:30, तो अभी भी जो है तकरीबन 2 घंटे है मेरे पास यहाँ से निकलने के लिए। तो खाना शाना भी अभी खाना है, तो मामा जो है वो साग बना रही है आई थिंक। तो यार मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा साग खाने का, पर क्या करें, अब खाना तो है ही है। तो एनीवेज मामा को कहते हैं फिर जल्दी से एक रोटी बना दे, वो खाते हैं फिर, और ऐसे ही टाइम गुजर जाना। तो एनीवेज ब्लॉग में यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना आप सबने। मिलता हूँ आपको मुल्तान में, एहे रहा नहीं जाता।